नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 70 के दशक में बनी अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना स्टारर सुपरहिट फिल्म हेरा फेरी के बारे में, जिसे 1976 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म के बजट, स्टार कास्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी बातों के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, हेरा फेरी फिल्म को 10 सितंबर 1976 को इंडिया में रिलीज किया गया था। ये फिल्म अमिताभ बच्चन की 40वीं फिल्म थी और डायरेक्टर प्रकाश मेहरा की अमिताभ बच्चन के साथ दूसरी फिल्म थी। इससे पहले ये हिट जोड़ी हमें जंजीर फिल्म में एक साथ नजर आई थी, जो कि अमिताभ बच्चन के करियर के लिए मील का पत्थर साबित भी हुई थी। हेरा फेरी फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, सायरा बानो, सुलक्षणा पंडित, पिंचू कपूर और असरानी आदि मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म का म्यूजिक दिया था कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी ने और फिल्म में कुल 5 गाने रखे गए थे, जो लगभग 24 मिनट लंबाई के थे, जिनमें फिल्म का टाइटल सॉन्ग वक्त की हेरा फेरी और बरसों पुराना ये याराना, ये दोनों गाने उस समय काफ़ी हिट रहे थे और आज भी ये गाने काफ़ी पॉपुलर हैं। दोस्तों, इस फिल्म के आने के बाद अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ चुकी थी, जिस कारण यह फिल्म 1976 में सुपरहिट रही थी। इस फिल्म के लिए विनोद खन्ना को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म का बजट लगभग 1,60,00,000 रुपये रखा गया था और इस फिल्म ने कुल 3,11,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। और अगर बात करें इस फिल्म के डिटेल कलेक्शन की, तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 5,00,000 रुपए का कलेक्शन, पहले वीकेंड में 14,00,000 रुपए का कलेक्शन और अपने पहले हफ्ते में कुल 30,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था और यह एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। वहीं अगर इस फिल्म के लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें, तो 1976 से 2019 तक इस फिल्म ने लाइफ टाइम कलेक्शन 33,19,00,000 रुपए का किया है। कमाई के मामले में भी ये फिल्म 1976 में रिलीज हुई फिल्मों में चौथे नंबर पर रही थी। 1976 में कमाई के मामले में पहले नंबर पर मनोज कुमार स्टारर फिल्म 10 नंबरी, दूसरे नंबर पर ऋषि कपूर स्टारर लैला मजनू और तीसरे नंबर पर मल्टी स्टारर फिल्म नागिन रही थी। और 2 घंटे 43 मिनट की इस फिल्म को IMDb पर 6.8/10 की रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े बहुत सारे इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि नंबर 1। दोस्तों, इस फिल्म में प्रकाश मेहरा पहले फिरोज खान और अमिताभ बच्चन को कास्ट करना चाहते थे और प्रकाश मेहरा ने फिरोज खान को कॉन्ट्रैक्ट जब सुनाया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में रविवार को डबल शिफ्ट में काम करने का भी पॉइंट जुड़ा हुआ था और फिरोज खान रविवार को काम करना पसंद नहीं करते थे और बस इसी बात से नाराज होकर फिरोज खान ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया और फिर फिल्म में एंट्री हुई विनोद खन्ना की। नंबर 2, इस फिल्म में विनोद खन्ना को अमिताभ बच्चन से लगभग 2 गुना अधिक फीस दी गई थी। नंबर 3, इस फिल्म में सुलक्षणा पंडित का कैरेक्टर पहले साराबाई प्ले कर रही थी और कुछ दिन उन्होंने शूट भी किया था, लेकिन डांस कोरियोग्राफर द्वारा उनके साथ उनकी बॉन्डिंग कुछ अच्छी नहीं हो पाने के कारण उनके बीच काफ़ी झगड़े हुए, जिस कारण साराबाई ने फिल्म को छोड़ दिया। इसके बाद फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने जीनत अमान को फिल्म में लेना चाहा, लेकिन उस समय जीनत अमान के पास डेट्स ना होने के कारण उन्होंने भी फिल्म को मना कर दिया। इस प्रकार सुलक्षणा पंडित की फिल्म में एंट्री हुई। नंबर 4, दोस्तों, हेरा फेरी नाम से डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा ने 1995 में गोविंदा, अयूब खान, मोनिका बेदी और सुरेश ओबेरॉय स्टारर फिल्म का निर्माण किया था, लेकिन यह फिल्म किसी कारणवश रिलीज नहीं हो सकी। तो दोस्तों, ये थे इस मूवी के कुछ अनजाने और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे और अगर आप चाहते हैं मैं किसी भी आपकी फेवरेट मूवी का वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता भी सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।